Hello everyone, welcome to my YouTube channel, and today we are going to discuss the last topic of the chapter, and the topic is limiting reagent. So you can ask limiting reactant also. So what is limiting reagent? Previous topic में बच्चे आपने करा था stoichiometry, ठीक है? तो stoichiometry का क्या मतलब है कि किसी भी reaction के during balancing का क्या इम्पोर्टेंस है एंड हाउ यू विल डिसाइड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इफ यू नो ओनली अबाउट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट यू आर टेकिंग. सो इस केस में आपके पास क्या आएगा, इस केस में आपके पास थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन आ जाएगी, क्योंकि जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन लगाते हो उसमें क्या होता है, रिएक्टेंट जरूरी नहीं है एक हो, देयर कैन बी नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स 2, 3, 4 एटसेट्रा, और आप सबको अलग अलग अमाउंट में यूज कर रहे हो, देन जो आपका प्रोडक्ट है वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा, दिस यू विल हैव टू डिसाइड. क्लियर? सो उस केस में हमारे पास एक टॉपिक आता, दैट इज अबाउट लिमिटिंग रिएजेंट. पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं. नाउ व्हाट इज इट? लिमिटिंग रिएजेंट इज दैट पर्टिकुलर रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन. सो वी कैन से द रिएक्टेंट विच इज completely consumed during the reaction. So अगर कोई ऐसा reactant जो reaction के time पे fully use हो जाए, in the end बिल्कुल खत्म हो जाए, कुछ भी उसका मतलब amount जो है वो पीछे ना रह जाए, that will be your limiting reagent. ठीक है? तो अभी ना इसका concept है क्या, इसकी importance क्या है, और इसको ज्यादा बेटर समझने के लिए हम ना एक एग्जांपल करते हैं. सो लेट अस डिस्कस द एग्जांपल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया. राइट? सो अमोनिया, हाउ विल यू प्रिपेयर इट? यू विल प्रिपेयर इट बाय रिएक्टिंग नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस. ठीक है? तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंसिंग. नाउ बैलेंस द रिएक्शन. ठीक है जी? तो इसका मतलब 1 mole ऑफ नाइट्रोजन इज रिएक्टिंग विद 3 moles ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 moles ऑफ अमोनिया. ठीक है? तो स्टोइकोमेट्री में आपके पास क्या था कि अगर आपको एक का अमाउंट पता है तो आप उसके पैरेलल दूसरे का अमाउंट निकाल सकते हो बाय यूजिंग द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स. ठीक है? अब यहां पे कंफ्यूजन ये है, मैंने आपको बोला देयर इज 34 gram नाइट्रोजन. ठीक है? और मैंने आपको यहां पर बोल दिया देयर इज 6 gram हाइड्रोजन. ठीक है? तो अमोनिया कितना बनेगा, समझ रहे हो? मैंने आपको बोला बच्चा मैंने एक रिएक्शन लगाई है, उसमें मैंने नाइट्रोजन ली है 34 gram. ठीक है? अच्छा, इसको कोई इजिएस्ट टर्म ले लेते हैं, लेट इट बी 14 gram. ठीक है? ओके. तो मैंने आपको बोला कि हमने कोई रिएक्शन लगाई है जिसमें हमने नाइट्रोजन को यूज करा है 14 gram. ठीक है? और हाइड्रोजन हमने यूज करी है 6 gram. दोनों को रिएक्ट करवा दिया, तो बताओ कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, अमोनिया कितना बनेगा. अब आप सोचोगे कि मैम ये तो सिंपल ही है, हम लोग तो स्टोइकोमेट्री लगा देंगे. स्टोइकोमेट्री क्या था, नाइट्रोजन का एग्जैक्ट मास कितना होता है, 1 mole है. ठीक है? 1 mole नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 28 gram. यहां पे 3 mole हाइड्रोजन है तो मास कितना होगा, 6 gram. ठीक है? तो आप यहां पे बोल दोगे कि मैम नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, सो वी कैन से दैट, अच्छा 2 moles का मास कितना होता है, 17 into 2, 34 gram. इसका मतलब 28 gram नाइट्रोजन 6 gram हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 34 gram अमोनिया प्रोड्यूस करती है. तो आप बोलोगे 28 gram ऑफ N2 प्रोड्यूस 34 gram अमोनिया. अगर 28 gram इतना प्रोड्यूस करता है तो हमने रिएक्शन में कितना यूज करा था, हमने तो नहीं 28 gram लिया था, मैंने तो आपको सिर्फ 14 gram दिया था रिएक्शन लगाने के लिए. तो आप कैसे निकालोगे, अगर 28 gram इतना प्रोड्यूस करता है तो 14 gram कितना प्रोड्यूस करेगा, कट करके आ जाएगा 17 gram. तो इसका मतलब आप बोल दो कि मैम हमने स्टोइकोमेट्री लगा दी कि अगर 28 gram नाइट्रोजन 34 प्रोड्यूस करता है तो 14 कितना प्रोड्यूस करेगा, 17 gram, एंड सॉर्ट आउट हो गया. ठीक है? तो अभी मैं आपसे ये बोलूंगी कि बच्चा आपने तो स्टोइकोमेट्री लगा दी विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन, तो यही अगर आप विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन लगाते फिर क्या रिजल्ट आना था, फिर आपके पास होना था
6 ग्राम हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस करती है? 34. सो 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस 34 ग्राम अमोनिया. तो हमने कितना आपको रिएक्शन के लिए दिया था? 6 ग्राम. तो इसका मतलब 6 ग्राम कितना प्रोड्यूस करना चाहिए? 34 ग्राम अमोनिया. ठीक है, तो अब आपके रिजल्ट वेरी नहीं कर रहे हैं. एक रिएक्टेंट के अकॉर्डिंगली 17 ग्राम अमोनिया बनना चाहिए और दूसरे रिएक्टेंट के अकॉर्डिंगली 34 ग्राम अमोनिया बनना चाहिए. तो अब आप स्टोकियोमेट्री कैसे लगाओगे? ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट. कई बार आपको ना न्यूमेरिकल में ये नहीं बताया होगा दैट विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट. ऐसे ही करेंगे, दोनों रिएक्टेंट का अमाउंट बता देंगे और प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए बोल देंगे. आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे या इसके अकॉर्डिंग. जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना, तब आप क्या करते हो? देन यू विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट. ठीक है, उसमें क्या है कि दोनों रिएक्टेंट में से जो रिएक्टेंट हमने कम अमाउंट में यूज करा है, वो रिएक्टेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा. तो फिर प्रोडक्ट भी किसके अकॉर्डिंग बनेगा? जिसको कम यूज किया था, क्योंकि जिसको ज्यादा यूज किया था वो तो एक्सेस में है. ठीक है, वो बाकी का बचा किसके साथ रिएक्ट करेगा? समझ रहे हो? सो जो रिएक्टेंट कम अमाउंट में यूज करते हो, हमेशा प्रोडक्ट उसी के अकॉर्डिंग बनता है एंड दैट पर्टिकुलर रिएक्टेंट इज नोन एज द लिमिटिंग रिएजेंट. ठीक है, तो अब आप बोल दोगे, मैम हमने 14 ग्राम नाइट्रोजन यूज किया था, 6 ग्राम हाइड्रोजन यूज किया था, तो अमाउंट के हिसाब से देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो कम है, तो हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट. ठीक है, तो मैं बोलूंगी बिल्कुल नहीं, बिकॉज हम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि अमाउंट, क्योंकि हर एक का अमाउंट जो है वो वेरी कर सकता है, डिपेंड करता है उसका एटॉमिक मास कितना है. तो इसका मतलब आपके पास सिर्फ आप मास देख के डिसाइड नहीं कर सकते हो, देयर इज अ पर्टिकुलर क्राइटेरिया कि आप कैसे फाइंड करोगे विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट. ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया कैसे इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है. सो लेट्स सॉल्व अ न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन इट, देन इट विल बी वेरी मच क्लियर टू यू. ओके, सो लेट्स सॉल्व इट. हियर आई हैव रिटन द स्टेटमेंट, नाउ रीड इट एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट विद मी. ठीक है जी, तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन देखो. 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर. इसका मतलब सबसे पहले लिखो रिएक्शन. हाइड्रोजन इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर. तो आप इसको बैलेंस कर लोगे. ठीक है जी, तो बैलेंस हो गया, समझ गए इतना. अब इसके बाद में जब आपने बैलेंसिंग कर ली, अच्छा गिवन कितना अमाउंट है? गिवन की अगर बात करें, हाइड्रोजन गिवन है आपको 3 ग्राम और ऑक्सीजन कितनी गिवन है? 29 ग्राम. ठीक है, तो उन्होंने पूछ लिया विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट. अच्छा सपोज ये ना भी पूछते, उन्होंने पूछ लिया कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी फॉर्म्ड. तो वाटर कितना बन सकता है वो पता करो. अब किसकी स्टोकियोमेट्री यूज करें? तो इसका मतलब चाहे आपसे पूछे चाहे ना पूछे, इस केस में पहले आपको लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप वाटर का अमाउंट नहीं बता सकते हो. ठीक है, तो अब आपका काम है लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना. तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने के लिए बच्चा आपने सबसे पहले मोल्स फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, क्योंकि कई बार आपको अमाउंट ग्राम्स में गिवन होगा, कई बार लीटर्स में, है ना, वॉल्यूम भी गिवन हो सकता है. तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने इसके मोल्स जो हैं वो कैलकुलेट करने हैं. तो हम क्या करेंगे, हम दोनों को पैरेलल सॉल्व कर लें. ठीक है, यहाँ पे इस तरफ मैं लिख रही हूँ हाइड्रोजन और इस तरफ मैं लिख रही हूँ ऑक्सीजन. हमने क्या करना है, दोनों के मोल्स फाइंड आउट करने हैं. तो हाइड्रोजन का मास कितना गिवन है? गिवन मास हाइड्रोजन का 3 ग्राम. और वैसे मॉलिक्यूलर मास कितना होता है हाइड्रोजन का? मॉलिक्यूलर मास आपको पता है हाइड्रोजन का, इट इज 2 ग्राम. ठीक है, तो अब आपने क्या पता करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स. हाउ विल यू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, कैसे फाइंड करते हैं? इट विल बी इक्वल टू गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास. तो गिवन मास कितना है आपके पास? 3 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 2. तो 1.5 मोल्स जो हैं वो आपके पास आ गए. ठीक है, अब चलते हैं हम ऑक्सीजन वाली साइड पे. ऑक्सीजन का जो आपके पास गिवन मास है वो कितना है? 29 ग्राम. ठीक है, और ऑक्सीजन का आपके पास जो मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है, वो कितना होता है बच्चा? इट इज 32 ग्राम. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द मोल्स अगेन. तो मोल्स कैसे निकलेंगे? गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास.
एंड गिवन मास कितना है 29 डिवाइडेड बाय 32 एंड इट कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली लेस देन 1, सो इट विल बी अप्रोक्सीमेट 0.9 मोल्स. ठीक है, तो आपके पास निकल आए मोल्स. अब आप देखोगे कि हाइड्रोजन के मोल्स ज्यादा हैं और ऑक्सीजन के मोल्स कम हैं, तो अभी आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट. अब आप जाओगे एग्जैक्ट इक्वेशन पे. ठीक है, एग्जैक्ट इक्वेशन में देखो क्या सिचुएशन है. टू हाइड्रोजन को कितने ऑक्सीजन चाहिए? सिर्फ वन. समझ गए? टू मोल हाइड्रोजन को कितने ऑक्सीजन चाहिए? वन मोल. तो आप क्या लिखोगे? That according to the balanced chemical equation, two moles of hydrogen react with one mole of oxygen. ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो two moles of hydrogen require one mole of oxygen. ठीक है, तो हमारे पास कितने moles हैं? 1.5. अच्छा, फिर 1.5 को कितनी requirement होगी? It will be 1 divided by 2 into 1.5. तो इसका मतलब डिमांड सिर्फ इतनी है. ठीक है, समझेंगे? तो हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि 2 मोल को 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए वाटर बनाने के लिए, तो 1.5 मोल को कितना चाहिए? 0.75 मोल्स. ठीक है, तो अब आप मेरे को ये बताओ कि कौन सा लिमिटिंग होगा रिएजेंट. हमें ऑक्सीजन कितना चाहिए? ओनली 0.75, लेकिन हमें प्रोवाइडेड कितना है? 0.9 मोल्स. तो इसका मतलब हमने ऑक्सीजन को एक्सेस में ले रखा है. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ दैट विच वन विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट. लिमिटिंग रिएजेंट आपका होगा हाइड्रोजन, क्योंकि वो तो रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, और एक्सेस में हमने किसको यूज कर रखा है? ऑक्सीजन को, जिसमें से 0.75 जो है वो रिएक्ट कर जाएगा और बाकी का बच जाएगा. समझ गए इतना? ठीक है, ओके. देन अब हम बात करते हैं, हमने ये ऐसे ही करना है, आपने अच्छे से ध्यान में रखना है. पहले मोल्स फाइंड आउट करने हैं. अगर ऑलरेडी मोल्स गिवन है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो पहले आप मोल्स फाइंड करोगे, फिर कंपेयर करोगे. अच्छा, मैंने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कंपेयर किया. आप ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. आपको रिजल्ट इसी अकॉर्डिंग ही मिलेंगे. ठीक है जी, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा था? हाइड्रोजन, हमने फाइंड कर लिया. ओके, तो अब वो पूछ रहे हैं कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी फॉर्म्ड. तो कहते वाटर कितना बनेगा. ठीक है, अब लगानी है आपने स्टॉक्यूमेट्री, लेकिन स्टॉक्यूमेट्री किसके अकॉर्डिंग लगानी है? हमने हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग. क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट. ये तो हमारे लिए लग गया क्रॉस. तो अब हम यहां पे लगाएंगे स्टॉक्यूमेट्री. स्टॉक्यूमेट्री के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है? 2 2 4 ग्राम हाइड्रोजन, और यहां पे इसका 18 2 36. इसका मतलब 4 ग्राम हाइड्रोजन कितना वाटर प्रोड्यूस करती है? 36 ग्राम. सो यू विल राइट 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस 36 ग्राम ऑफ वाटर. तो हमें कितना गिवन था? ओनली 3 ग्राम. तो अगर 4 ग्राम 36 प्रोड्यूस करता है तो 3 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा? 36 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3, सो इट विल बी 27 ग्राम. तो इसका मतलब वाटर कितना बनेगा? 27. और इसको आप ऑक्सीजन के अकॉर्डिंगली नहीं फाइंड करोगे, यू विल फाइंड इट अकॉर्डिंग टू द लिमिटिंग रिएजेंट ओनली. क्लियर हो गया जी? ठीक है, तो अब इसका लास्ट वाला डिस्कस कर लेते हैं सेक्शन. लास्ट हमारे पास क्या है? थर्ड सेक्शन. थर्ड इज कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट बिहाइंड. तो कहते कितना रिएक्टेंट जो है वो बच जाएगा. अब जो हाइड्रोजन है वो क्या था? वो तो था लिमिटिंग रिएजेंट, तो वो तो फुल्ली कंज्यूम हो जाएगा. ठीक है, कंप्लीटली क्या हो जाएगा? कंज्यूम हो जाएगा, वो तो बचेगा ही नहीं. लेकिन ऑक्सीजन हमने एक्सेस में यूज किया था, है ना? तो ऑक्सीजन का यूज्ड कितना था? यूज्ड अमाउंट कितना होगा? यूज, ये जो हमने निकाला था, सिर्फ 0.75 ही यूज होना. ठीक है, 0.75 मोल्स यूज हो गया. ठीक है, और हमारे पास गिवन कितना था? गिवन अमाउंट ऑक्सीजन का वो था 0.90 मोल्स. ठीक है, तो बाकी कितना बचेगा? अमाउंट लेफ्ट बिहाइंड. तो ऑक्सीजन का अमाउंट कितना बचेगा? 0.90 माइनस 0.75, माइनस करके आ जाएगा 0.15 मोल्स. लेकिन अगर वो पूछेंगे ग्राम्स में बताओ, तो आपने इसको
32 के साथ यानी मॉलिक्यूलर वेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना, देन आपका आंसर किस में आ जाएगा, ग्राम्स में आ जाएगा। क्लियर हो गया जी? ठीक है, तो ऐसे करके जो है आप फाइंड कर सकते हो कि कितना अमाउंट यूज हो गया, कितना बाकी रह गया। तो ये जो है आपने अच्छी तरह से याद रखना है। तो सिर्फ इतना सा था कि स्टोकियोमेट्री हम तब नहीं अप्लाई कर पाएंगे इजीली जब आपको कितने सारे रिएक्टेंट्स के अमाउंट पता हो और आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना हो। तो आप सबके अकॉर्डिंग नहीं चलोगे, पहले आप लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करेंगे एंड देन यू विल फाइंड द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड एंड द अमाउंट ऑफ इट। ठीक है जी, दैट्स अबाउट द फुल टॉपिक। ओके, बाय बाय, थैंक यू।